श्रीनगर के आर्मी कैंट इलाके पांता चौक में सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। शनिवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया और फिर डीपीएस स्कूल में घुस गए। रविवार सुबह से जारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में स्कूल में छिपे दोनों आतंकी ढेर हो गए और इस हमले में एक जवान शहीद और कई घायल हो गए हैं। लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहले आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया और फिर स्कूल के अंदर घुस गए। गनीमत है कि स्कूल में कोई छात्र या स्टाफ नहीं थे, वरना आतंकी इन्हें बंधक बना सकते थे। यह आतंकी हमला आर्मी कैंट इलाके में हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वेद ने कहा, स्कूल के अंदर से स्टाफ और लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। हम आतंकियों को मुंह टेढ़ जवाब दे रहे हैं।